नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल म्यूजिक एंड हेल्थ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी भयंकर बीमारी जिसे बताया भी नहीं जा सकता और छुपाया भी नहीं जा सकता। यद्यपि डॉक्टर के लिए तो छुपाने जैसी कोई बात ही नहीं हुआ करती है, लेकिन फिर भी लोग डॉक्टर को बात बताने में झिझकते हैं, शर्मते हैं। और इस झिझक और शर्म का खामियाजा उन्हें बहुत बड़े कष्ट के रूप में भुगतना पड़ता है। दोस्तों, यह बीमारी जो है बड़ी भयंकर हुआ करती है, जिसे हम बवासीर कहते हैं। बवासीर का नाम तो सबने सुना है, सभी जानते भी हैं, लेकिन जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं प्रारंभ में, वह किसी को भी बताने से बहुत झिझकते हैं और उस असहनीय पीड़ा को, उस असहनीय दर्द को, उस डिफ़िकल्ट पेन को सहते रहते हैं। लेकिन जब वो असहनीय बिल्कुल ही हो जाता है और व्यक्ति किसी भी प्रकार से नहीं रह पाता, तब वो अपनी समस्या को किसी के सामने रखता है, तब वह व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर अपने तरीके से इलाज करने में बहुत सारा पैसा खर्च करवाते हैं। दोस्तों, इस असहनीय पीड़ा से बचने के लिए, इस बवासीर की बीमारी से बचने के लिए और इस बवासीर की बीमारी का इलाज करने के लिए आज मैं हूँ इलेक्ट्रिक होम्योपैथ रणबीर शास्त्री आपके साथ यूट्यूब पर। तो लीजिए, सुनिए इस बवासीर से हम लोग कैसे बच सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि यह जो आप देख रहे हैं, इसे सब लोग जानते हैं, यह भोजन में प्रयोग करने वाला लहसुन है, जिसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। ये गांठ है लहसुन की, ये इसकी कलियां हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि इस बवासीर के लक्षण क्या होते हैं और इसका कारण क्या होता है। तो दोस्तों, पित्त और वात तथा कफ, यानी कि शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ तीन प्रकृति हुआ करते हैं और इन्हीं तीनों प्रकृतियों में से किसी प्रकृति के दूषित हो जाने से गुदा में मसे उत्पन्न हो जाते हैं, उसे बवासीर कहते हैं। जो मसे गुदा के बाहरी भाग में होते हैं उसे बाहरी बवासीर कहते हैं, जो गुदा के भीतरी भाग में होते हैं उसे आंतरिक, इंटरनल या आभ्यंतर बवासीर कहते हैं। बवासीर में कब्ज, मल कठिनता से होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा, तथा लेटरिंग में जब वो नशे जो मसे हुआ करते हैं, वह मसों के लेटरिंग खुश्क होने पर जब लेटरिंग गुदा के द्वारा बाहर निकलती है तो वह मसे छिल जाते हैं और उनसे बहुत सारा खून आता है, बहुत सारी वेदना होती है, हैवी पेन होता है, दर्द होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए इस लहसुन का उपयोग हमें किस तरह से करना है। तो लीजिए, सुन लीजिए। दोस्तों, यूं तो बवासीर की बीमारी बहुत पीड़ादायक भी है, कठिन भी है, लेकिन सही तरीके से अगर इसका इलाज किया जाए तो सिर्फ आप लहसुन को देख रहे हैं, लहसुन और रार। रार आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, पसारी की दुकान पर रार मिलती है और पसारी की दुकान पे जाकर के यह बोलना है कि रार दे दो, इस रार को कूट पीस करके लोग अंडे में मिला करके ढोलक पर भी रखते हैं, जो बजाने वाला वाद्य यंत्र होता है संगीत का, ढोलक, उस पर भी रखते हैं। तो इस तरह से आप पसारी की दुकान पे जाके मांग सकते हैं,
तो रार ले लें और लहसुन। अब लहसुन को किस तरह से प्रयोग करना है और रार को किस तरह से प्रयोग करना है यह हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले रार का उपयोग किस तरह से होना है, आपको पसारी की दुकान से ला करके रार को कूटना है, और कूटने के बाद में जब वह दलिया जैसी हो जाए तो एक अंगार लेना है, उपला जिसको कंडा बोलते हैं, कंडे को जलाना है, और कंडे को जलाने के बाद में जब वो जल जाए बिल्कुल और उसके बाद भुंज जाए, उसमें धुआं निकलना बंद हो जाए, वह केवल अंगार बनकर के तैयार हो जाए, तो उस अंगार को रख लेना है, और उस अंगार के ऊपर हमें ये आप देख रहे हैं ये उपले हैं जिनको कंडा भी बोलते हैं, गाय या भैंस के गोबर में से इनको बनाया जाता है। दोस्तों इनको पहले जला लें, और जलाने के बाद में जब वह उसकी अग्नि ऊपर से बुझ जाए, धुआं बंद हो जाए, तो फिर उस अंगार को हमें लेना है। देखिए हम आपको अंगार दिखा रहे हैं, ये जले हुए उपले का, जले हुए कंडे का अंगार है, इसे आप नज़दीक से देखिए, इसमें हल्की हल्की आग अंदर रह जाती है, ऊपर राख जैसा हो जाता है इसके ऊपर। अब हमें क्या करना है उसे थोड़ा समझ लीजिए। इस अंगार पर हमें थोड़ा सा घी डाल देना है, और घी डालने के बाद में हमें थोड़ी अग्नि प्रज्वलित कर देनी है, अर्थात माचिस से इसे हमें आग लगा देनी है। इसके बाद में हम देखेंगे कि धीमे धीमे यह जो प्रज्वलित ज्वाला है, प्रज्वलित अग्नि है, यह धीमे धीमे इस तरह से कम होती चली जाएगी, और जब यह अग्नि जलना बंद हो जाए अर्थात यह बुझ जाए, उसके बाद हमें क्या करना है उसे देखना है। जो हमने आपको रार बताई थी पसारी की दुकान से ला करके, वह आपकी इस तरीके से चूरट के आकार में हो जाएगी, और इसको पिसी हुई रार को हमें इसके ऊपर डालना है। इस तरह से हमें इस पर डालना है, और डालने के बाद में जब इसमें अग्नि होगी तो इसमें से धुआं निकलेगा। आप देख रहे हैं कि इसमें जो धुआं निकल रहा है, इसी प्रकार से धुआं बहुत सारा निकलेगा, और हम दोनों पैर, एक पैर इधर रख के और एक पैर इधर रख करके इसके ऊपर बैठना है, और बैठने के बाद में इस धुआं को हमें अपनी, इस धुआं से हमें अपनी गुदा की सिकाई करनी है, अर्थात उसको गरम गरम सेकना है। ध्यान रखना कि अग्नि जलती हुई ना हो, केवल धुआं नजर आना चाहिए। इस धुआं से आप इसकी सिकाई करेंगे, और यह भी काम आपको अधिकतम 5-7 मिनट करना है, बहुत ज़्यादा देर तक आपको अपना समय खराब नहीं करना है। 5-7 मिनट में आपका यह उपचार हो जाएगा। दोस्तों बड़ी बात कहना तोबा, डॉक्टर अगर आपसे 100, 200, 500 रुपये लेकर के जितना आराम देगा, यह आराम अगर आपको सिर्फ 2 दिन में नहीं मिल जाए मात्र 10 रुपये की रार से, तो आप हमें गालियां देना, आप हमें अपशब्द कहना, यह बड़े ही अनुभव की बात है, सिर्फ मैं आपको नहीं बता रहा, यह मैंने खुद अपनी लाइफ में लोगों से, बहुत से लोगों से इसका प्रयोग करवाया है। दोस्तों इसके साथ साथ यह जो जानकारी है ये 85 साल पहले बुजुर्गों की बताई हुई जानकारी है, इसे लोग अक्सर छुपा के रखते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन भला हो यूट्यूब चैनल का, भला हो यूट्यूब का, भला हो मीडिक एंड हेल्थ का, कि इसने इस तरह की पीड़ादायी बीमारी से बचने का एक आसान उपाय बताया है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि लहसुन को हमें किस तरह से प्रयोग करना है। जो आप देख रहे हैं ये लहसुन है, इस लहसुन की कलियों को छीलना है, और इसमें थोड़ी सी, ये मान लो कि 15-20 लहसुन की यह कलियां लेनी है, और उसमें 1 ग्राम हींग मिलानी है, और उसको पीस लाना है, कूटना है, और इसमें मिलाना है विनोले, अगर
अगर मिनोले आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो रुई होती है, रुई के अंदर जो बीज निकलते हैं उनको बिनोला बोलते हैं। कॉटन सीड्स, कॉटन सीड्स, कॉटन, कॉटन के जो अंदर बीज हुआ करते हैं, जो सीड्स हुआ करते हैं, उनको हम बिनोले बोला करते हैं। तो वह कॉटन सीड्स को लेना है और उन्हें भी इसी के साथ में 15 कलियाँ ये और लगभग 20-30 बीज आपको कॉटन सीड्स लेने हैं और पीस करके इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। ये समझो कि यह इतनी मात्रा लगभग 1 हफ्ते के लिए दवा तैयार हो जाएगी आपकी। सुबह शाम आपको खाना है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको इस बवासीर से, भयंकर बीमारी से छुटकारा मिल ही मिल जाएगा। बड़े ही विश्वास के साथ आपको मैं यह विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई ट्यूब लाना है, ऑइंटमेंट लाना है, ना आपको कोई गोली खानी है, ना कैप्सूल खाना है। तो दोस्तों, यह वीडियो हमने आपको दिखाया यूट्यूब चैनल म्यूजिक एंड हेल्थ के माध्यम से। मैं था आपके साथ रणबीर शास्त्री, इलेक्ट्रिक होम्योपैथ। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और लोगों का भला करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, तथा इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको लहसुन की अन्य जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।